गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलारा। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने कैंडिडा के राइटर्स के बारे में, कैंडिडा के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा है। आज हम कैंडिडा की पूरी कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम इस कहानी के पहले एक्ट को पढ़ेंगे। इस कहानी में, इस प्ले में टोटल तीन एक्ट है, तीन भाग है, और उन तीनों भागों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, हम पहले एक्ट को शुरू करने जा रहे हैं। पहले एक्ट के अंदर हमें ये बताया गया है कि मिस्टर जेम्स मेवर मॉरेल एक कलर्जी मैन है और वो अपने रूम में बैठा हुआ है। उसके पास उसकी टाइपिस्ट, जिसका नाम मिस प्रोसपाइन गार्नेट, जिसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, वो बैठी है। मॉरेल अपने रूम में बैठा होता है तभी उसको एक लेटर मिलता है। ही गॉट अ लेटर। एक्चुअली ही हैज़ बीन इन्वाइटेड टू एड्रेस द हॉक्सन फ्रीडम ग्रुप ऑन संडे। संडे को उसको कहीं भाषण देना था, इसीलिए उसके पास एक लेटर आया। एंड इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो ऑन मंडेज एंड थर्सडेज। और इसकी प्रैक्टिस में था, इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू गो ऑन मंडेज एंड थर्सडेज। Prospine informed him that he was engaged on all the Mondays and Thursdays of the month. हर सोमवार और गुरुवार को उसका भाषण देने के लिए फिक्स दिन था, लेकिन जब उन्होंने अपनी लिस्ट निकाली और लिस्ट में देखा कि उनके आने वाले हर एक संडे और मंडे इंगेज्ड है, वो खाली नहीं है, तो अब वो हॉक्सन फ्रीडम ग्रुप को एड्रेस कैसे करेगा। And on the 28th of October, he had to attend the city dinner. Morrell cancelled the dinner and decided to address the Hoxton Freedom Group. So Morrell ने क्या किया कि जिस दिन उनको किसी डिनर में जाना था, तो उन्होंने वो डिनर पार्टी कैंसिल करके Hoxton Freedom Group को एड्रेस करने के लिए चले गए। He told Miss Prospine to inform them accordingly. कैंडिडा, जो कि मॉरेल की पत्नी थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी, उसको घर पर आना था, इसीलिए मॉरेल को ही हैड टू गो टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हर। उसको अपनी वाइफ को रिसीव करने जाना था। तो देखिए स्टोरी आगे आगे बढ़ रही है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि मॉरेल अपने कमरे में बैठा है अपनी टाइपिस्ट के पास, तभी उसको लेटर मिलता है कि भाई उसको एक जगह पर, जिसका नाम हॉक्सन फ्रीडम ग्रुप है, वहाँ भाषण देना है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, तो एक डिनर पार्टी, जिस दिन उसको डिनर करना होता है, वो डिनर पार्टी कैंसिल करता है और उसकी जगह वो वहाँ भाषण देने के लिए जाता है। तभी उसको पता चलता है कि उसे उसकी पत्नी को लाने के लिए रेलवे स्टेशन जाना है। सो मॉरेल्स असिस्टेंट The Reverend Alexander Mill Lexie was to do the clergyman's work that day. इसीलिए उसके जो बाकी काम है वो किसके द्वारा करने होंगे, मिल, लेक्सी मिल द्वारा। Actually, when Morrell is busy, his work is done by his assistant Alexander Mill Lexie. So Morrell went out. Prost and when there was no one in the house except Prospine and Lexie, both of them began to talk with each other. Actually, Prospine was jealous of Candida, wife of Morrell. In the opinion of Prospine, Candida was not beautiful. Only her hair was beautiful. So, such kind of talk they had in the spare time. Burgess, who was Morrell's father-in-law, came to meet Morrell. As I have already told you, Burgess was a rich contractor.
एंड मॉरेल वॉज एंग्री विद हिम बिकॉज इन हिज डीलिंग्स विद द पुअर वर्कर्स स्पेशली वीमेन ही वॉज वेरी क्रूअल. एक्चुअली बर्जेस वॉज वेरी क्रूअल टवार्ड्स वीमेन और वर्कर्स. ही वॉज एंटी सोशलिस्ट वाइल मॉरेल वॉज सोशलिस्ट. सो देर वॉज नो पीस बिटवीन दैम. ही पेड दैम लेस वेजेस. बर्जेस पेड वर्कर्स लेस पे वेजेस. ही हैड मेड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बाई फाउल मीन्स. ऑन द अदर साइड मॉरेल वॉज अ सोशलिस्ट. सो ही डिड नॉट लाइक बर्जेस. बर्जेस सेड टू मॉरेल दैट ही हैड कम ओनली टू सी मॉरेल बट मॉरेल डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड्स. ही टोल्ड हिम दैट ही लव्ड प्लेन स्पीकिंग पर्सन्स एंड ही कुड वेलकम बर्जेस ओनली इफ ही केम एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्काउंड्रल. क्योंकि बर्जेस दोगला व्यक्ति है, अंदर से कुछ और है बाहर से कुछ और है, इसीलिए मॉरेल उसको पसंद नहीं करता भले ही उसका वो ससुर क्यों ना हो. एंड मॉरेल सेज टू बर्जेस दैट ही शुड नॉट ट्राई टू पोज हिमसेल्फ वॉट ही वॉज नॉट. उसको वैसा अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए वैसा वो जैसा वो नहीं है. एंड इन दिस वे मॉरेल बिकेम वेरी मच अब्जॉर्ब इन हिज टॉक. ही फॉरगॉट दैट ही हैड टू गो टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज वाइफ कैंडिडा. सून कैंडिडा केम. सी केम विथ यूजीन मार्चबैंक एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट हिम. ए यंग मैन ऑफ 18 ईयर्स ओल्ड हु मॉरेल हैड फाउंड स्लीपिंग ऑन द एम्बैंकमेंट. ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली. ही वॉज अ पोएट. बर्जेस वेंट बैक. कैंडिडा वेंट टू टाइडी द हाउस एंड मॉरेल एंड यूजीन वर लेफ्ट अलोन इन द रूम. मॉरेल आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर लंच. यूजीन डिक्लाइंड द ऑफर. ही सरप्राइज मॉरेल बाई सेइंग दैट ही लव्ड हिज वाइफ कैंडिडा. मॉरेल लाफ्ड एट दिस एंड सेड दैट देर वॉज मच डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ द टू. यूजीन सीम्ड सीरियस एंड रिब्यूक्ड मॉरेल सेइंग दैट ही यूज्ड हिज वाइफ लाइक अ स्लेव टू डू हिज मीनियल जॉब. यूजीन मार्चबैंक मॉरेल को डांटता है कि तुमने अपनी पत्नी को वर्कर के रूप में काम करवाया है, उसका ध्यान नहीं रखा, तुम उससे प्रेम नहीं करते, तुम्हारी बजाय मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूँ. यूजीन आल्सो सेड दैट कैंडिडा हैड ग्रेट इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज एंड सी डिसलाइक मॉरेल. मॉरेल ट्राई टू काम यूजीन बट ही वॉज अनसक्सेसफुल. यूजीन वॉज अबाउट टू गो वैन कैंडिडा एंटर्ड एंड आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर लंच. सी टुक हिम विथ हर टू हेल्प हर इन लेइंग द टेबल. और जब वो बात कर ही रहे होते हैं आपस में इतनी सारी, तभी कैंडिडा रूम में प्रवेश करती हैं और वो यूजीन मार्चबैंक को लंच के लिए रोकती हैं और दोनों लंच के लिए टेबल सजाने में बिजी हो जाते हैं.